राम प्रधान अब लखनऊ पहुंचकर करेंगे धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान 28 अक्टूबर को इको गार्डन पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानों ने भी लखनऊ पहुंचकर 3 माह तक धरना प्रदर्शन किया था। ग्राम प्रधानों की मांग है, जो प्रधान के अधिकार है उनका शोषण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुरादाबाद जनपद के विकास खंड बिलारी के सभी ग्राम प्रधान सर्वोदय इंटर कॉलेज के मैदान में जमा हुए और एकत्र होकर लखनऊ पहुंचने की तैयारी में जुट गए। प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने बताया कि जिस तरह से प्रधान का ब्लॉक में शोषण किया जाता है, मेरी सभी ग्राम प्रधानों से अपील है कि एकजुट होकर संगठन को मजबूत करें। उन्होंने आगे बताया, हम सब प्रधान लखनऊ पहुंचकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम विधानसभा चुनाव में उनकी मदद करेंगे, जो प्रधानों की मदद करेगा। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्राम प्रधान एकत्र होकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जैट टीवी न्यूज 24 दिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। रविंद्र चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधान संगठन। प्रधान धर्मपाल सिंह ग्राम प्रधान अब लखनऊ पहुंचकर करेंगे धरना प्रदर्शन। आज जो है एक माह आप लोग जो तैयार हो, गाड़ी खड़ी है यार, सब सारे प्रधान इकट्ठा है। जी मांगे तैयार हो। ये हम सब लोग जो है कि महारैली का आयोजन किया गया है सभी ग्राम अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से। ये एक दिवसीय महारैली का संगठन है लखनऊ का। ये रमाबाई अम्बेडकर में एक जगह एकत्र होना है। सभी प्रधान अपनी मांगों के लिए वहाँ जा रहे हैं। जैसे कि कुछ मांगे हैं हमारी, मनमले प्रधानों का जो है मानदेय बढ़ाया जाए, जबकि और सचिवों के अनुसार, जबकि संविधान के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार, जबकि सचिवों से हमारा एक रुपया और बढ़ती होने का वो उसमें अन्य मानदेय बनाने का जो है दिया हुआ है। लेकिन अभी तक हमारे जो है एक तुच्छ जो है पियोन होता है उसके बराबर भी नहीं है। और जो है हम सब लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के वहाँ जा रहे हैं और वो यही कोशिश करेंगे हम, और आने वाले समय में अगर जो हमारी मांगें सुनेंगे हम उसी का साथ देंगे। और इसी के बाद में अपने विराम देता हूँ, धन्यवाद। जी मैं रविंद्र चौधरी। अच्छा आप लोग जो इकट्ठा हो, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? जी हम आज अब लखनऊ निकल रहे हैं। सुबह हमारा प्रातः 10 बजे रामाबाई अम्बेडकर मैदान में अखिल भारतीय प्रधान संगठन का एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जो अपनी समस्त प्रधान अपनी मांगों को लेकर ये आयोजन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि एक तो सबसे पहले प्रधान का मानदेय बढ़ाया जाए, दूसरी बात जो हमारे केयर टेकर शौचालय पर जो रखे गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो इनका मानदेय अलग से दिया जाए, ना कि जो है निधि से दिया जाए, इनका मानदेय का धनराशि अलग से दी जाए। ये हमारा सरकार 2019 में भी धरना दिया गया था द्वारा। जी तो उसमें सरकार ने कोई बात मानी नहीं थी। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या अगला कदम आपका? जो हमारी मांग मानेगा हम उसका सहयोग देंगे। हमें पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारी मेन पार्टी ग्राम प्रधान है, हमारा संगठन है। जो संगठन की मांग पूरी करेगा हम उसी को अपना सहयोग देंगे, उसी की हम धन जो है मांग पूरी करेंगे। लखनऊ में कितने दिन तक चलेगा ये? कल एक दिन चलना है बस। कितने ग्राम प्रधान यहाँ पर जो डिलारी ब्लॉक जा रहे हैं? डिलारी ब्लॉक के करीब जो है 60 से 65 प्रधान डिलारी ब्लॉक के जा रहे हैं, जो लखनऊ निकल रहे हैं। इस समय हम रवाना हो रहे हैं। एक हमारा जो 1993 में संविधान लागू हुआ था, 73वां संविधान, वो आज तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ है। उससे समस्त प्रधान पूरे प्रदेश के त्रस्त चल रहे हैं, वो संविधान हमारा लागू होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा 40% जो हमारी किस्त पिछली बार थी 2014 में था हमारा, उससे 40% प्रधानों को कम दिया जा रहा है। उससे बहुत दिक्कत हो रही है, गाँव में विकास नहीं हो रहा, विकास कार्य में बहुत रुकावट हो रही है। ताकि जो है उससे कोई समाधान हमारा निकले, उसकी हमारी मेन मांग ये है कि हमारा पिछला वाला 40% और प्रधानों को मान जो कटिंग है उसे वो बिल्कुल हमें पूर्ण 100% हमें दिया जाए, जिससे कि हम गांव में संपूर्ण विकास कर सकें। अखिल ये बताइए, आप जो है प्रधानों की आवाज़ उठा रहे हैं, लखनऊ भी जा रहे हैं आप, तो कुछ प्रधानों का कहना यह है कि ब्लॉक के अंदर जो है प्रधानों के साथ शोषण होता है और कमीशन वगैरह ज़्यादा ली जाती है, सचिव अपनी मनमानी करते हैं। तो देखो सचिव अपनी मनमानी करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन जब तक हम प्रधान संगठन एकजुट नहीं होगा, सचिव हमारा प्रधानों का इसी तरीके से शोषण करते रहेंगे। हमें फूट पड़ी रहेगी, प्रधान अपने स्तर से एक एक आदमी काम करता रहेगा, अपने स्तर से देखते रहेंगे। सचिव कभी ये नहीं चाहते सारा प्रधान संगठन एकजुट हो। मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र चौधरी, इसलिए मैं संघर्ष करता हूँ समस्त प्रधानों से कि मैं आने वाले समय में भी मैं समस्त प्रधानों के साथ रहूँगा, उनकी आवाज़ उठाऊँगा, 24 घंटे उन पर सेवा में तत्पर रहूँगा। लेकिन मेरा समस्त प्रधानों से ये आग्रह है
कि वो संगठन को मजबूत करें। जब भी संगठन मजबूत होगा, जब भी हम मजबूत होंगे, जब भी हम कोई विकास कार्य कर सकते हैं। संगठन मजबूत होना चाहिए। प्रधान अपना संगठन जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक फूट पड़ी रहेगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है समस्त प्रधानों से कि अपने संगठन में एकत्र होकर टाइम दें और उसमें मेहनत करें। धन्यवाद।